बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें रिएक्शन के रेट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान ताल्लुक बताता है। अगर रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन का रेट कम होगा। ये इस लॉ का स्टेटमेंट। जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन तेजी से जाएगा, जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी तो रिएक्शन का स्पीड यानी रिएक्शन का रेट कम होगा। लेकिन सही स्टेटमेंट इसका आप यू करोगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ अ रिएक्शन is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants। यह product का मतलब है दो values जब आपस में multiply हो, यानी जब दो reactants हो तो इनके molar concentration आप आपस में multiply करो। So this law states that rate of a reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants raised to the power। फिर उन मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लिखना है, कितना पावर, इक्वल टू मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस। हर सब्सटेंस के जो मोल्स होंगे इन द केमिकल इक्वेशन। तो एक दफा फिर स्टेटमेंट सुने, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू moles of each substance in the chemical equation। स्टेटमेंट की समझ आपको अब आएगी। ये देखिए, ये एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, ये स्मॉल ए ये स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी में हटा देता हूं। ए रिएक्टेंट है, ये बी रिएक्टेंट है, ये आपस में मिलके सी और डी बना रहे हैं। फर्ज करें इस रिएक्टेंट ए के मोल है स्मॉल ए, इस रिएक्टेंट बी के मोल्स हैं स्मॉल बी, ये है सी, सी इसके रिएक्टेंट सी के मोल्स हैं और डी इस रिएक्टेंट नहीं सॉरी प्रोडक्ट सी के मोल सी हैं, प्रोडक्ट डी के मोल डी है। यानी ये ऐसे एन टू प्लस थ्री एच टू गिव टू एन एच थ्री। तो नाइट्रोजन की जगह पे मैंने ए लिखा, हाइड्रोजन की जगह पे बी लिखा और प्रोडक्ट की जगह पे ये अमोनिया। इसके मोल यहां पे वन है तो इस वन को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। हाइड्रोजन के मोल तीन है, तीन ये कोफिशिएंट मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी जगह पे मैंने बी लिखा। इसी तरह अमोनिया के मोल दो है तो इसकी जगह पे मैंने सी या डी लिखा। अच्छा, अब इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा,
तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आर एफ, व्हाट इज आर एफ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इन टू बी. इन दोनों के मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करवाने हैं. स्टेटमेंट में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं. अब इनके ऊपर पावर लिखने हैं, रेस टू द पावर. कितना पावर लिखे इसके जो मोल यहां पे हैं, तो मोल है ए जबकि इसका मोल है बी. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर इक्वल टू मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन द केमिकल इक्वेशन. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, इसकी जगह पे कांस्टेंट लिखे. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर बी. अब कांस्टेंट को स्पेसिफाई करें, तो कांस्टेंट मैंने लिखा के एफ. व्हाट इज दिस के एफ? के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन वन. अब बिल्कुल इसी तरह का इक्वेशन हम इस रिवर्स रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं. अ सिमिलर इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर रिवर्स रिएक्शन. रिवर्स रिएक्शन के लिए या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आर बी इज इक्वल टू के बी. बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे सी और डी, तो सी पावर सी डी पावर डी, ये इक्वेशन टू. ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट. व्हाट इज दिस के बी? तो के बी के लिए लिखोगे रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. एट इक्विलिब्रियम जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, आर एफ विल बी इक्वल टू आर बी. इक्विलिब्रियम उस हालत को कहते हैं जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आपस में इक्वल हो जाए. तो ये मैंने लिखा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये दोनों आपस में इक्वल. आर एफ की वैल्यू इक्वेशन वन से और आर बी की वैल्यू इक्वेशन टू से उठाए और यहां पे लिखे. सो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर एफ एंड आर बी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, तो आर एफ की जगह पे लिखेंगे के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी इक्वल टू K
kb molar concentration of c power c molar concentration of d power d. Rf की वैल्यू ये है, Rb की वैल्यू ये है। अब आप ऐसा करें कि जो कंसंट्रेशन है उन्हें यकजा करें और जो कांस्टेंट है उन्हें भी यकजा करें। तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन इस साइड पे शिफ्ट करें, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन इस साइड पे शिफ्ट, ये बन जाएगा के एफ डिवाइडेड बाई के बी। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड, और ये यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस साइड पे आके डिवाइड, तो ये बन जाएंगे ऐसे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी पावर डी डिवाइडेड बाय ये। इसे मैंने रीअरेंज किया सिंपली, इस क्वेश्चन के साथ मैंने किया क्या रीअरेंज, तो रीअरेंज करने पे ये इस हालत में आ, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट आप दूसरे कांस्टेंट के साथ ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो उसका आंसर कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट divided by a constant is equal to another constant. ये capital K, ये capital K, ये भी capital K, ये तीनों capital K, लेकिन इसका जो size आप लिखोगे, size इसका size इनके size से बड़ा है, और साथ में बतौर सबस्क्रिप्ट सी लिखे, ये सी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इस के सी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इक्वेशन थ्री इसे कहा, इक्वेशन थ्री बिकम्स तो के एम बाई के बी की जगह पे आ जाएगा के सी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी पावर डी ए पावर ए बी पावर बी। इस पे आप गौर करें तो ये ऊपर जो है दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये नीचे जो है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो हम यू भी लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by molar concentration of reactant. If A, B, C and D are all gases, yani is reversible reaction mein जो इक्विलिब्रियम की हालत में है,
अगर इसके सारे सबस्टांसेस बेसिस हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, KC इज रिप्लेस्ड बाई KP। KC का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जबकि KP का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये P प्रेशर को, ये C कंसंट्रेशन को, तो KP कैसे लिखोगे? बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह हमने KC लिखा है। ये सिर्फ इस मोलर कंसंट्रेशन को रिप्लेस करवाना है प्रेशर से। फिर हम यू लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे लिखेंगे प्रेशर सी पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी। मोलर कंसंट्रेशन को मैंने पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी पावर बी। ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन मोल्स के फॉर्म में हो, कंसंट्रेशन इज इन मोल फॉर्म, तो फिर मोलर कंसंट्रेशन आप नहीं लिखोगे, सिर्फ मोल्स लिखोगे। ऐसे केसी या केपी नहीं बल्कि केएन। केएन से मुराद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इसको यू लिखोगे, मोल्स ऑफ सी पावर सी, मोल्स ऑफ डी पावर डी, मोल्स ऑफ ए पावर ए, मोल्स ऑफ बी पावर बी। ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जबकि ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी अगर कंसंट्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स आई मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इसका डिटेल में आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में बता चुका, आप चेक कर सकते हो गैसेस वाले चैप्टर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को, वहां पे मैंने मोल डिटेल से बताया है कि मोल फ्रैक्शन, सॉरी, कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, Kx इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D पावर D, मोल फ्रैक्शन ऑफ A पावर A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B पावर।
ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब आप थोड़ा सा देखें इस रिएक्शन के लिए, देखें मैं केसी को कैसे लिखूंगा। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास है अमोनिया और इसका पावर कितना लिखूंगा, 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का पावर 1 जबकि हाइड्रोजन का पावर 3। ये मैंने इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू लिखी। अब इसी रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू कैसे लिखूंगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया PnH3 पावर 2, स्क्वायर ब्रैकेट्स को P से रिप्लेस करें, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। Kn को कैसे लिखूंगा, Kn का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो वो ऐसे मोल्स ऑफ अमोनिया पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इसी रिएक्शन के लिए कैसे लिखूंगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया पावर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन पावर। तो मैंने इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 मुख्तलिफ शक्ल में लिखे, किन किन में, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ओके, ये एक एग्जांपल है बुक में, एग्जांपल 7.1 के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपस में मिलके अमोनिया बनाते हैं। अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में 7 ग्राम पर लीटर नाइट्रोजन हो, 0.3 ग्राम पर लीटर हाइड्रोजन हो और 1.53 ग्राम पर लीटर अमोनिया हो, तो इस रिएक्शन की केसी वैल्यू कितनी होगी। ये हमें मोलर कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, हमें कंसंट्रेशन गिवन है लेकिन ग्राम पर लीटर में। हमें चाहिए कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में, तो इसे मोल्स में चेंज करें। 7 डिवाइडेड बाय 28 मोलर मास नाइट्रोजन का 28, तो इससे आ जाएगा 0.25 मोल्स पर लीटर। ये ग्राम को मैंने मोल्स में चेंज किया। इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आप मोल में चेंज करें, मोल्स पर लीटर, तो इससे आ जाएगा 0.15 मोल पर लीटर। और इसे भी आप मोलर कंसंट्रेशन बना, डिवाइडेड बाय 17 अमोनिया का मोलर मास है, तो इससे आएगा 0.09 मोल्स पर लीटर।
अब हमने जो कंसंट्रेशन हमें ग्राम में दिया था उसे हमने मोल्स पर लीटर में चेंज किया। अब केसी वैल्यू मालूम करना आसान, केसी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ये, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये पावर लिखना न भूलिए, इनके ऊपर जो पावर है ये लिखना न भूलिए। आप मेहनत करोगे, पावर आपने नहीं लिखा होगा, आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो ये पावर लिखना न भूलिए। पुट वैल्यूज, अमोनिया है 0.09 power 2। अमोनिया की जगह पे मैंने इसका मोलर कंसंट्रेशन लिखा। नाइट्रोजन 0.25, साथ में यूनिट्स भी लिखे, मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर। और हाइड्रोजन ये है, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इससे आ जाएगा 9.6। और ये देखो यहां होगा एम स्क्वायर, ये एम और ये एम क्यू, तो ये बन जाएगा एम फोर। के सी विल बी इक्वल टू 9.6, ये ऊपर लेके जाए तो ये बन जाएगा एम माइनस टू स्क्वायर, एम माइनस टू। दिस इज द आंसर।